तो एआरसी फाइनेंस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 40.92 लैक्स का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 92.21 लाख का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4.79 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में एआरसी फाइनेंस ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 3.43 लाख का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 76.26 लाख का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 4.53 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहां से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 92.62%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 17.3% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 5.33% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में। तो अभी अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 28.12 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 8.47 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 22.93 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.001 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.002 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.045 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बहुत केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में है। तो कंपनी की इनकम एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है एंड वहीं पे कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ पॉजिटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 के क्वार्टर। ना ही कंपनी की रिजल्ट बेकार है और ना ही कंपनी की रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, कंपनी ने ठीक ठाक नॉर्मल परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।